घर में सारी महिलाएं बीमार है, घर में दो प्रेत खुले घूम रहे, तेरे को भी चपट्टा लगता है, जा पूजा तेरा कुछ भी नहीं लगता, जिसके पास भी जाएगा उल्टा ही दबा पड़ता है, सीधा कुछ नहीं होगा, समझ गया। तो तुझे घर की कोई महिला लेके आनी चाहिए। मैं वाइफ को लेके आना था लेकिन अभी वो खुद बीमार पड़ी है। दिखा एक बार फोटो। आदमी प्रेत रमा हुआ है, बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, सबसे ज़्यादा पेट में, पैर में, छाती पे और सर में, लेकर आना पड़ेगा भाई, इसी के सारे पूरे घर का इलाज होगा, समझ गया। फिलहाल के लिए थोड़ा बंधन कर देते हैं, ठीक है, विभूति ले जाए, ऐसे घर में छिड़काव करिए पानी में डाल के, और ये धागा चौकी पे बांधो मन्नत करके कि घर में बाबा जब तक मैं पत्नी को नहीं लाता जब तक थोड़ी रोकथाम कर दो, और तेरा जो ये कंपन है ये अभी थोड़ी देर में निकाल देते हैं, थोड़ी देर चौकी पकड़ ले जाए। थोड़ा सा ये और ये किया हुआ है क्या चीज़ किया हुआ है? दो प्रेत भेज रखे हैं, गड़न की क्रिया है जिसे हम तंत्र क्रिया कहते हैं, जो हिंदू तांत्रिक द्वारा कराया गया, कराने वाली परिवार की महिलाएँ हैं, दो महिलाएं, एक बाहर की है एक अंदर की है, मतलब परिवार की महिला ने बाहर की महिला से मिलकर दोनों ने जाके हिंदू तांत्रिक से क्रिया करा दी। वो हिंदू ऐसा है, हिंदू मुस्लिम दोनों क्रिया जानता है, जिसने गणंत पहले की है जिससे तुम्हारा परिवार अलग हो जाए, उसके बाद फिर प्रेत छोड़े ताकि महिलाएं बीमार रहे और महिलाओं के पीछे पुरुष सारे पड़े रहे ताकि काम धंधा ठप हो जाए। उसके बाद अभी हाल में लगभग 3 साल पहले आर्थिक क्रिया हुई है मजबूत, जिससे तेरा काम धीरे 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 बंद है। कोई नया भी सोचेगा तब भी पहले ही बंद हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक हाथ में बचेगा ही नहीं कुछ, तो सारा कुछ मतलब 3-4 साल से तो 8-10 लाख रुपए लॉस हो चुका है। तीन कोई साल भी काम से तो मूल क्रिया तेरे गणन तेरे नाम से हो रही है, बाकी पुरानी तो हिसाब किताब गड़बड़ है, 2-4 जगह दिखाया होगा तो कुछ पता ही नहीं। बहुत जगह लास्ट में आपके पास है ना, इसी भरोसे वाइफ ने बोला था कि लास्ट दिखा के वहाँ दिखा दो, नहीं तो बाकी कहीं मत जाना, मेरे पास ही आखिरी आता आदमी और फिर कहीं नहीं जाता, हमेशा जुड़ जाता। आप ही के चक्कर में वहाँ पे गया था।